आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों आज तारीख है 18 दिसंबर 2018 और रात के 10:48 हो रहे हैं। यहां पे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए पोजिशनल कॉल लेके आया हूं। सरकारी बैंक है, पीएसयू बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है, तो यहाँ उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। इसका लेवल बताने से पहले ये बता दूं ये पोजिशनल है, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पोजिशनल भी ले सकते हैं, पोजिशन भी बना सकते हैं, डिले भी ले जा सकते हैं, पर जो लेवल मैं बताऊंगा उस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तब। उसके पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों उसका लेवल बताता हूँ, और लेवल बताने का मतलब ये नहीं कि आप उस पर बाय या सेल कर लीजिए, ट्रेड ले लीजिए, आप अपनी भी एनालिसिस कर लिया कीजिए, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लिया कीजिए, तब आप जाके ट्रेड लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ अपना व्यू बताता हूँ, स्टॉक के बारे में कोई आपको पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं देता। तो चलिए देखते हैं ये इंडियन बैंक में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है। देखिए इंडियन बैंक का जो मैं पहले आपको सपोर्ट प्राइस दिखा दूँ, ये सपोर्ट प्राइस पे इस स्टॉक ने काफ़ी दिन बिताया, यानी 210 रुपये का जो इसका सपोर्ट प्राइस आ रहा है इस स्टॉक ने यहाँ पर, इस ये बहुत इसका हेवी सपोर्ट है। आप हेवी सपोर्ट बताने का मतलब देखिए स्टॉक बार बार इस प्राइस के पास आता है पर वापस बाउंस बैक कर जाता है, यहाँ पे भी बाउंस बैक किया इस प्राइस के पास। आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्राइस ने 210 को ब्रेक जैसे टच करता है प्राइस वापस बाउंस बैक कर जाता है, यानी ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी ये हेवी सपोर्ट है यहाँ पर। इसके प्रीवियस में आपको अगर यहाँ दिखाओ पिछले जाके तो यहाँ पे भी आप देखिए ये प्राइस ब्रेक करता है, सस्टेन नहीं करता, वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर इसको सस्टेन नहीं कर इसके ऊपर जैसे ही आता है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाता है हमें इंडियन बैंक के स्टॉक में, यानी कि 210 रुपये इसका हेवी सपोर्ट है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है इस चीज़ को समझने में। अब चलिए ये इसका डेली का चार्ट है, पहले आप देखिए स्टॉक काफ़ी दिनों से 210 रुपये के रेंज के पास रहे, काफ़ी दिनों से मेरी नज़र थी इस पर, अब ये लगभग एक सही जगह पे आ गया, पहले मिस हो गया मैं बनाने में थोड़ा, फिर भी चलिए अभी जगह पे मिल रहा है ये स्टॉक। अगर ये स्टॉक अभी फिर फास्ट में आपको ट्रेंड लाइन दिखा दूँ, ये स्टॉक बिल्कुल ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। इसका जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है उस रेजिस्टेंस को ये लगभग ब्रेक कर चुका है ये स्टॉक, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है। मैं यहाँ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखा दूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और तीसरा रेजिस्टेंस को इसने फाइनली आज ब्रेक कर दिया, यानी ट्रेडिंग सेशन में मंगलवार के दिन 18 तारीख को इसने आज ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है डेली बेस पर। ये हुआ इसका टेक्निकल, ये बहुत ही बुलिश हो चुका है ये स्टॉक, तो हमें इसमें पोजिशन कब बनाना है इसकी भी अभी जानकारी देता हूँ। अब जरा सा मैं कुछ इंडिकेटर लगा के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए सबसे छोटा टाइम फ्रेम जो हम लोग मूविंग एवरेज लगाते हैं, सबसे छोटा मूविंग एवरेज वो होता है 5 डेज का। देखिए 5 डेज का अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो इसका कैलकुलेशन 236.97 रुपये निकल के आ रहा है, यानी 237 रुपये, स्टॉक 243 के ऊपर है, इसके मतलब काफ़ी ऊपर है, यानी ये बहुत बुलिश है। उसके बाद अगर 5 दिन की जगह पे 9 डेज का लगाते हैं तो भी आप देख लीजिए उसके हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से 233 रुपये आ रहा है 233 का, तो स्टॉक उसके ऊपर क्लोज कर रहा है, 243 स्टॉक में पॉजिटिव है। 9 के बाद 30 सीधे लगा के हम लोग चेक करते हैं तो 30 का क्लोजिंग आ रहा है 232.27 का, यानी स्टॉक उसके ऊपर क्लोजिंग है 243 पर, यानी 232 रुपये का 30 EMA आ रहा है मूविंग एवरेज 30 EMA, तो उसके ऊपर स्टॉक क्लोज कर रहा है, यानी 9 डेज से 5 डेज से ऊपर है, 9 डेज से ऊपर है, 30 डेज से ऊपर है। अब जरा इसके ऊपर का जो मूविंग एवरेज लगाते हैं 50 डे का, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 50 डे की जो क्लोजिंग आ रही है वो 240.50 रुपये की आ रही है, स्टॉक आज उसको ब्रेक कर चुका है, स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। ये हम लोग टेक्निकल देख रहे हैं, लॉजिकल है ना, एकदम ये लॉजिकल है कि 5 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है पॉजिटिव, 9 डेज से ऊपर है, 21 डेज से, 30 डेज से, 50 डेज को भी आज क्लोज कर चुका है। अगर इसी तरह से ये पॉजिटिव मूवमेंट में रहा इसका अगला जो टारगेट होगा हमारा 100 DMA का हो जाएगा, लेकिन कब होगा, हमें इसका ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, कब चाहिए क्लोजिंग चाहिए, हमें कम से कम 248 रुपये की क्लोजिंग चाहिए, तब हमारे लिए इसमें पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है इंडियन बैंक में। जरा इसका हम लोग वीकली चार्ट देख लेते हैं, वीकली चार्ट हम लोग यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो वीकली चार्ट पे भी आप देख रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पे मैं इसका रेंज ऊपर की ओर रेंज लगा देता हूँ आपके ऊपर, ये रहा रेंज,
ठीक है, ऊपर एक रेंज लगा दिया वीकली चार्ट पे, अब इसी को मैं वापस कन्वर्ट करता हूँ डेली के चार्ट पे। तो देखिए डेली चार्ट पे वापस अब वो रेंज दिखा रहा है कि कम से कम 248 रुपए की क्लोजिंग होनी चाहिए, है ना। 248 रुपए की अगर ये क्लोजिंग मिलती है इंडियन बैंक में तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा पोजिशन बनाने के लिए, डिलीवरी लेने के लिए। कब? जब 248 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करेगा तब। ये कभी भी करे, कल करे, परसों करे, तरसों करे, जब भी करे 248 रुपए के ऊपर आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हैं, डिलीवरी ले जा सकते हैं। अगर 3 से 3:15 बजे तक 248 रुपए की अगर आपको क्लोजिंग दे रहा है, ट्रेड करता हुआ मिले, तब इसमें पोजीशन बनाइए। अब जरा हम एक मूविंग MACD लगाते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर, वो हमें क्या बता रहा है। देखिए बिल्कुल MACD अपने आप को कन्वर्जेंस कर डाइवर्जेंस कर रहा है, माने एक दूसरे को छोड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अपना आपको बुलिश कर रहा है, क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। MACD की लाइन, सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, साथ ही ये जो हिस्टोग्राम का बार है वो भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, यानी स्टॉक ये हमें बुलिश दिखा रहा है कि स्टॉक अब धीरे धीरे बुलिश हो रहा है, MACD भी दिखा रहा है। अब जरा इसका हम लोग RSI चेक करें, अगर RSI के बेस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो RSI भी देख लीजिए, RSI भी काफ़ी अच्छा 60 के अबव चल रहा है, यानी 60 के पास RSI है और MACD जो है MACD की लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रही, साथ ही हिस्टोग्राम भी का जो बार है वो बड़ा होता जा रहा है, ये दोनों तरफ से बुलिश दिख रहा है हमें यहाँ पर स्टॉक। अगर आप इंडिकेटर के बेस पर करते हैं तो इंडिकेटर के बेस पर भी ये स्टॉक पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, तो हम लोग इस इंडिकेटर को हटा देते हैं। और मूविंग एवरेज के बेस पर अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो वो मूविंग एवरेज को भी मैंने दिखा दिया, टेक्निकल के बेस पर अगर ट्रेड करते हैं तो टेक्निकल भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि नीचे 210 का इसे सपोर्ट था और ऊपर जो है ये इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। स्टॉक जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, यानी 249 रुपए 250 रुपए के पास क्लोज करेगा, 250 की क्लोजिंग मान लेते हैं ज़्यादा सेफ रहेगा, तो 250 की क्लोजिंग अगर देता है हमें तो कहो 248 भी समथिंग है, 248 की अगर क्लोजिंग मिल जाती है इस स्टॉक की तो हमारे लिए एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो बाय अबव हम लोग कब करेंगे, 248, यानी कि हम लोग कब इसमें पोजीशन बनाएंगे, 248 के ऊपर जब ये क्लोजिंग करेगा तब। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय अबव कब करना है, 248 के ऊपर करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय अबव पोजीशन कब बनाना है, बाय अबव 248। अगर 248 के ऊपर ये आपको ट्रेड करता हुआ मिलता है कभी तो आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बना के ले जा सकते हैं। इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा वो स्टॉप लॉस लगेगा 230 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 230, ठीक है। स्टॉप लॉस जो लगेगा वो हमारा 230 का लगेगा, 230 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। ये स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। स्टॉप लॉस कितना लगेगा, 230 का, और पोजीशन कब बनाएंगे, जब ये 248 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करेगा तब। इस कंडीशन में जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 270 रुपए का, कितना का आएगा टारगेट, 270 रुपए का। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है पहला, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 270 रुपए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 270 का पहला टारगेट होगा। अब जरा हम लोग 50 EMA को तो हम लोगों ने देख लिया था कि इसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग किया, अब जरा अगर इसके बाद जो 100 DMA आती है उसको हम लोग लगा के चेक करते हैं। देखिए 100 DMA का जो हमारे पास क्लोजिंग आ रहा है वो 265 रुपए का आ रहा है, यानी कि अगर हम लोग मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो पहला टारगेट 265 रुपए का आएगा, और अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट 270 आएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब जरा हम लोग 200 DMA भी चेक करते हैं, तो 200 DMA का मैं कलर बदल देता हूँ, 200 DMA को मैं रेड कलर कर देता हूँ। हाँ, 200 DMA का जो क्लोजिंग आ रहा है वो आ रहा है 288 रुपये का, यानी कि 288 रुपये का अगर मूविंग एवरेज के बेस पर अगर आप ट्रेड करेंगे, टारगेट निकालेंगे लॉजिकल, तो 288 रुपये का सेकेंड टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट कितना आएगा, 260 का 65 का, दूसरा टारगेट 288 का आएगा, ये आया मूविंग एवरेज के बेस पर लॉजिकल टारगेट। अगर हम लोग टेक्निकल बेस पर ट्रेड करें तो हमारा बाइंग एबव 248 हो जाएगा, और टारगेट पहला 270 आएगा, तीसरा टारगेट आएगा, दूसरा टारगेट निकल के आएगा हमारा 300 का, कितना टारगेट आएगा, सेकेंड टारगेट 300 का आएगा, क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन का ऊपर का सिरा है, अंतिम रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे 310 रुपये भी मान सकते हैं, मैं यहाँ 300 ले रहा हूँ, 310 का हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये मेरा टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा, और जो मूविंग एवरेज के बेस पे मैं आपको दिखा रहा था वो लॉजिकल टारगेट दिखा रहा था, और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और टेक्निकल टारगेट। ये स्टॉक देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे रेंज बाउंड है, क्या चल रहा है, बिल्कुल रेंज बाउंड होके चल रहा है डेली के चार्ट पे। तो ये रेंज कितना का आ रहा है, ये रेंज एक्चुअली मैं नाप देता हूँ यहाँ पर, इस रेंज का जो लंबाई है वो है 40 रुपए का, 40 रुपए के बक्से में ये स्टॉक फंसा हुआ है काफी दिनों से। तो ये स्टॉक जब इसको ब्रेक करके निकलेगा तो ऊपर 40 रुपीज का भी ये टारगेट देने की क्षमता रखता है। तो हम लोग यहाँ पर से अगर 40 रुपीज निकालते हैं, अगर इस 40 रुपीज को निकालते हैं तो कहाँ पे आएगा 40 रुपीज,
तो हमारा 40 रुपीज़ का जो रेंज आएगा निकल के, हमारा 40 रुपीज़ का रेंज निकल के आएगा लगभग यहाँ पे, यानी कि प्राइस आ रहा है 288 का, यानी कि 290 रुपये का लमसम आपका जो मूविंग एवरेज 100 DMA वाला आ रहा था, मूविंग एवरेज 100 आ रहा था, 200 जो आ रहा था 200, वो हमारा आ जाएगा फाइनल टारगेट 288 का। उसके बाद अब मैं यहाँ पे टारगेट मेंशन थोड़ा सा कर देता हूँ। पहला टारगेट कितना आ गया 270 का, सेकेंड टारगेट हमारा ये जो मूविंग एवरेज है 200 DMA का, सेकेंड टारगेट अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इसके हिसाब से कितना आ जाएगा 288 का आ जाएगा। और ये जो 310 रुपये रहेगा ये मेरा थर्ड और फाइनल टारगेट, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ थर्ड एंड फाइनल टारगेट, थर्ड एंड फाइनल टारगेट 310 रुपये का, यानी बाय कब करेंगे 248 रुपये के ऊपर पोजिशन बनाना है, स्टॉप लॉस उस कंडीशन में 230 का लगाएंगे। पहला टारगेट जो रहेगा 270 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 288 रुपये का रहेगा, तीसरा टारगेट 310 रुपये का रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको सारी टेक्निकल चीज़ें दिखा दी, मूविंग एवरेज के हिसाब से दिखा दिया, इंडिकेटर MACD RSI के हिसाब से दिखा दिया, प्लस अपना टेक्निकल एनालिसिस लगा के भी दिखा दिया इसको कब बाइंग करना है, कब स्टॉप लॉस क्या लगाएगा और टारगेट क्या होगा। तो दोस्तों अगर ये आप लोगों को मेरी एनालिसिस, मेरा ये पोजीशन समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये बता दूं ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी है, पोजिशनल भी है, आप लेकिन पोजिशन भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे बताए हुए बाइंग प्राइस पे जब ये क्लोज करता है तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर ये ट्रेड नहीं करता है 348 के नीचे क्लोज करता है तो आप इससे बाहर निकल जाइएगा, जिस दिन 348 के ऊपर आपको मिले बिल्कुल इसमें पोजिशन बना के लेके जाइए। तो दोस्तों ये था मेरा इंडियन बैंक पे अपना व्यू, इसमें ट्रेड करने से पहले आप अपना भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।